भव्य मंदिर, फूलों से सजा परिसर, आकर्षक मूर्ति, लंबे समय के इंतजार के बाद आ गए प्रभु श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा में संकल्प लेकर प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण किया। प्राण प्रतिष्ठा की इस ऐतिहासिक घड़ी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी तरह से हिमाचल में भी सभी जगहों पर राम भजन के साथ साथ रामायण का अखंड पाठ भी किया गया। इसी तरह से हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अवहा देवी मंदिर में धूमधाम से इस पल को मनाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि देशवासियों के 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है कि जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा 500 वर्षों से प्रतीक्षा भी थी और प्रतिज्ञा अर्पण लेकर भी चले थे, लेकिन ये सौभाग्य शायद हमारी पीढ़ी का ही है, ऐसे करोड़ों राम भक्तों का है कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ और दुनिया भर में राम भक्तों के जो प्रसन्नता है उनके चेहरों पर नजर आती है, जो भक्ति भाव है, जो राममय वातावरण हुआ है, वो अपने आप में मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसके अलावा नाहन राम मंदिर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल के साथ साथ सांसद सुरेश कश्यप भी राम भजन के लिए पहुंचे, जहां पर राम भक्त भजन करते हुए राम में वातावरण में डूबे हुए दिखाई दिए। 30 साल श्री रामलला टेंट में रहे, ये मेरे आजाद देश का सबसे दुर्भाग्यशाली समय था। आज वो समय आया है जब सनातन के पुरोधा घट घट में राम, घर घर में राम, मन मन में राम, कण कण में राम, आज श्री राम को उनका अपना स्थान प्राप्त हुआ है। हम इसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हर उत्सव हर त्योहार को पीछे छोड़ता ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश को राममय कर गया। ऊना में भी हाईवे से लेकर गली मोहल्लों तक अयोध्या के राम मंदिर की धूम देखी गई। जगह जगह राम धुनों पर श्रद्धालु नाचते नजर आए। यहाँ पर बहुत सी जगहों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में कांगड़ा के ज्वालामुखी से लोगों के उत्साह और राममय माहौल की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहाँ पर राम भक्तों ने राम भजन के साथ साथ राम नाम के नारे भी लगाए। इसके अलावा कांगड़ा के ही टाणा में नन्हे राम भक्तों की अनोखी तस्वीरें सामने आई, जिसमें बच्चों ने स्केटिंग करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। यहां पर बच्चों ने कांगड़ा के मटौर से टांडा रोड तक स्केटिंग करते हुए भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। छोटे छोटे बच्चों को स्केटिंग करते देख सब खुश दिखाई दिए। सारे देश में जगह जगह पर कीर्तन और भंडारों का आयोजन किया गया। ये दिन पूरे देश में एक त्योहार की तरह मनाया गया, जिसमें सभी भक्तों का इंतजार खत्म तो हुआ ही, इसके साथ साथ सनातनी आस्था में आस्था का एक और अध्याय भी जुड़ गया है, जो कि आस्था और विश्वास की दृष्टि से अतुल्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।